हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत विधायक शोभा चौहान द्वारा विधायक कोष से सोजत रोड राजकीय चिकित्सालय के लिए नागरिकों की मूलभूत व प्राथमिक जरूरतों व जन रक्षक संस्थान उपकरण सोजत रोड में 19,71,000 रुपए के संसाधन जन सेवा हेतु समर्पित किए गए। चौहान ने कहा कि कोरोना के वैश्विक महामारी में चिकित्सालयों में उपकरणों के अभाव में मौतों को देखकर मेरी ओर से सोजत क्षेत्र के चिकित्सालयों में विधायक कोष से उपकरण व संसाधन भेंट किए हैं व और भी चिकित्सा क्षेत्र में आवश्यकता होगी, मैं मदद करूंगा। इस मौके चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर एन के विजय वर्गी, सोजत पंचायत समिति प्रधान धोबली देवी, पंचायत समिति सदस्य अनिल व्यास, भाजपा नगर अध्यक्ष दिलीप खाटेड़, जय नारायण गहलोत, अनिल शर्मा, कमल सोनी, ज्ञानचंद उपाध्याय, संजय सिंह, ओम प्रकाश वैष्णव, तुलसीराम बैरवा, बसंती कंवर, विजय पुनिया, विनोद अखावत, सुनील गंदेचा, लक्ष्मण सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता व चिकित्सा कर्मी मौजूद थे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सोजत विधायक शोभा चौहान इन्होंने ये कहा। मैंने 2.5 करोड़ रुपए के बजट दिया है ताकि कोरोना के इस वैश्विक महामारी में लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि जो मैंने ये पीड़ा हॉस्पिटल में देखी है, एक एक दिन में 16-16 और 15-15 पेशेंट गुजरे हैं वहाँ कोरोना की वजह से, और जो चिकित्सकीय उपकरण के अभाव के कारण उनकी जाने गई हैं। तो मैं उस वजह से कोरोना को लेके 20 लाख रुपए अभी सोजत रोड में भी दिए, और भी मैंने कहा चिकित्सा से संबंधित और कोरोना महामारी को देखते हुए किसी भी प्रकार की कोई मशीनरी की ECG हो, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, चाहे कोई भी मशीन हो, मतलब हॉस्पिटल कोरोना से संबंधित मुझे बताएं, ताकि मैं पहली मेरी प्राथमिकता यही रही कि मेरे क्षेत्र के लोगों की जान बचे, उनको राहत मिल सके। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।